हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग भाई? आज है UPTET का एग्ज़ाम जो पहले कैंसिल हो चुका था और ये फिर से आज हो रहा है 23 जनवरी को। तो भाई स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह उठे, फट से तैयार हुए और सेंटर थोड़ा दूर था तो थोड़ा पहले निकलना पड़ा। तो जो फर्स्ट मीटिंग एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है 10 बजे से, 12:30 बजे ख़त्म होगा, फिर सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी। भाई अभी जो सुबह सुबह जो एग्ज़ाम है वो प्राइमरी लेवल का है, यानी जो इसमें क्वालिफाई करेगा यार जो फाइनल तक जाएगा वो 1 से लेके 5 तक जो क्लास होती हैं उसमें पढ़ाएगा। और जो सेकंड मीटिंग का होगा वो मिडिल लेवल का होगा, यानी 6 से 8 तक का। तो भाई सरकारी नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है आप लोग जानते होंगे, और ये एग्ज़ाम होने वाला नहीं था, कोविड के चक्कर में कैंसिल हो रहा था। बहुत लोग यूट्यूब पे, बहुत लोग कई सारी न्यूज़ फैल रही थी कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन फाइनली भाई हो चुका है। 1 घंटे हो चुके हैं, अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 11। 1 घंटे हो चुके एग्ज़ाम होते हुए, तो अब तो होगा ही, आउट नहीं हो सकता। इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो बीच में ही पेपर शायद आउट हो गया था, इन्फॉर्मेशन हो गई थी तो सारा पेपर कैंसिल करा दिया गया था। अब दोबारा ये रीशेड्यूल हुआ है, अब तो फाइनली एग्ज़ाम होना ही है। तो ये फर्स्ट मीटिंग एग्ज़ाम होगा, तो हम ये ब्लॉग स्पेशली है भैया सरकारी नौकरी पे। सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी भाग दौड़ मची रहती है, और कितना इम्पोर्टेंट है नौकरी, सरकारी नौकरी आप लोग को पता होगा। रोज़गार की बात कर रहे हैं भाई, कितना ज़रूरी है आजकल युवाओं के लिए रोज़गार, तो सरकारी नौकरी के लिए भैया ये एग्ज़ाम है। ये पूरा दिन मेरा ऐसे ही आज होने वाला है, आज एग्ज़ाम दिलवाने में पूरा टाइम निकल जाएगा, शाम हो जाएगी। कहाँ जा रहे हैं? In the wake of dawn I see you shine. और कुछ दिनों से यार मौसम ना अजीब सा है, कभी बारिश होती है, ठंडी होती है। आज सुबह सुबह उठे थे ना, तो आज भी कल भी हो रही थी बारिश और आज भी बारिश हो रही थी सुबह सुबह। लगा था कि यार पता नहीं कैसे जाएंगे, बाइक से आया था तो सोचना पड़ रहा था, लेकिन बारिश बंद हो गई थी तब हम लोग निकले। और फाइनली भैया सेंटर पे पहुँच गए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं भाई यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं बाहर, रो रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनकी एंट्री नहीं हो पाई थी। कुछ लोग तो लेट आए थे और कुछ लोग के पास अपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, पेपर देने आए थे उनको पता ही नहीं था क्या क्या लेके जाना है। तो भैया कम से कम अपने डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ लो, एडमिट कार्ड पे क्या लिखा है, सब कुछ चीज़ें शो हैं, फिर भी वो लोग नहीं अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे, तो लोग बाहर बैठे हुए हैं। अब यार वीडियो में दिखा नहीं सकता उनकी फ़ोटो, क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं ना, तो इसलिए उनकी वीडियो नहीं बनाया। एक तो खुद ही परेशान है, ये सही नहीं लग रहा था और बनाना सही भी नहीं था, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। क्या देख रहे हो, ठंडी लग रही है, हैं ठंडी लग रही है, चलो ये देखो कितना खुश हो गया। देखो ये लोग हैं ना, इनको एंट्री नहीं मिल पाई है एग्ज़ाम हॉल में, इनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे इसलिए इनको एंट्री नहीं मिल पाई है। पास से बिल्कुल बात नहीं करा सकते यार, सही नहीं लग रहा है। स्कूटी पे जो बैठी है लड़की ना, उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं था इसलिए इसको एंट्री नहीं मिल पाई, तो इसलिए ये परेशान है थोड़ी। और सुबह यार थोड़ा जल्दी उठ गए थे और अभी तक कुछ हल्का फुल्का कुछ खाए थे, भाई एक लेस दे देना छोटा वाला, 10 वाला। हाँ कौन सा दे दे भाई? ले जो हरा वाला, अमेरिकन। हाँ अमेरिकन। और पेपर में जो बीच का टाइम मिलेगा तो उसमें सबसे बेस्ट जो टाइम पास है भैया वह है मोबाइल ही है ना। देखो सब लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, कोई आपस में बात भी नहीं कर रहा है। Fly, so much higher, fly, so much higher. तो भाई सेकंड मीटिंग के लिए फिर से आ गए हैं सेंटर पे। कैसा रहा आप लोगों का फर्स्ट मीटिंग का एग्ज़ाम? भाई जो लोग भी जुड़े हो ना, जो UPTET कैंडिडेट हैं,
फर्स्ट मीटिंग एग्जाम दिए हैं, कमेंट करके जरूर बताना कैसा रहा आपका पेपर, बाकी आंसर की आ जाएगी तो मिला के तो सबको पता ही चल जाएगा। तो कैसा रहा आप लोगों का फर्स्ट मीटिंग का? अभी सेकंड मीटिंग स्टार्ट होगी, जब तक सेकंड मीटिंग का एग्ज़ाम चलेगा तब तक अपना वीडियो कुछ बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं।